अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो तुम लोग देख सकते हो आपका भाई इस टाइम बाइक पे बैठा है। दरअसल ये मेट्रो बस के स्टेशन पे पार्किंग है और अभी मसला ये चल रहा है कि सामने रोड बिल्कुल खाली होने जा रहा है। हर तरफ पुलिस और ट्रैफिक पुलिस आई हुई है, रेंजर्स भी आई हुई हैं, आर्मी भी आई हुई हैं। दरअसल मसला ये है कि अभी आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप मैच खेलने के लिए कदाफी स्टेडियम। तो अभी मैं बैठा हूँ किनाल स्टेशन पर, तो वो अभी स्पीडो भी बंद है, मेट्रो भी बंद है और आहिस्ता आहिस्ता पूरी ट्रैफिक भी बंद हो रही है, इसलिए वो के उनकी सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो तब तक हमें वेट करना पड़ रहा है इधर बाइक पे बैठ पे, और यहाँ अंदर भी बैठे हुए हैं लोग, लेकिन मैं वहाँ नहीं, मैं सबसे अलग बैठा हूँ यार। ये कि बाइक थी और यहाँ छाँव भी है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ बैठ जाना चाहिए। तो अभी मुझे लगता है कि आधा घंटा मुझे यहाँ वेट करना पड़ेगा, और अभी छुपके छुपके से हम वीडियो बनाते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं कि किस तरह जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वो कितनी उसके साथ सिक्योरिटी है, कैसे कैसे वो यहाँ से जाते हैं और क्या मैनेजमेंट की हुई है गवर्नमेंट ने उनके लिए। तो आपको सब कुछ दिखाएंगे, तो रहना आपने मेरे साथ। वही है, चेक कर सकते हो अभी रेस्क्यू की दो बाइक्स आई हैं, ये पूरा इसका सर्वे करेंगी। अभी एक पुलिस की गाड़ी भी यहाँ से गई है और अभी चेक कर सकते हो यार सारा रोड। ओए यार, तो क्रिकेट टीम पहुंचने वाली है, आप देख सकते हो यहाँ मैं छुप के खड़ा हो गया हूँ ताकि वीडियो शूट कर सकूँ। तो 2 घंटे बाद हमें स्पीडो मिल चुकी है और रास्ते भी अब खुल चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं घर को। ओ यार, तो फाइनली, बहुत ज़्यादा गर्मी है आजकल, अभी फीस पकड़ी है यहाँ से, बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इतनी गर्मी है तो क्यों ना आइसक्रीम खा ली जाए। अभी हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ और यहाँ से यार ज़्यादा सफ़र पड़ता है। आज मसला ये हुआ है कि स्पीडो का रूट चेंज हो गया था, आगे से रोड बन रही थी, इसलिए हम वहाँ से नहीं आ पाए। तो PCSIR की तरफ से अब हम जा रहे हैं अपने वापरा टाउन की तरफ। हाँ यार, दिल को सुकून आ गया। The next day. ओए, तो फाइनली नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। अब हमें सबसे पहला काम ये करना है, अभी मैं हूँ मेट्रो के स्टेशन पे, यहाँ से हमें लेना है कार्ड। तो सबसे पहले अपना सामान वगैरह इनको चेक करवाते हैं सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से। तो हम यहाँ से जाएंगे और अब पकड़ते हैं अपना बैग, और ये रहे हमारे पैसे, इसका हमने कार्ड लेना है। कार्ड फाइनली हमारे पास पहुँच चुका है और बाहर का व्यू देख सकते हो आप लोग, ओए फुल टू फुल मौजे हैं यार। सुकून से लिफ्ट के ऊपर आओ, सुकून से लिफ्ट से नीचे जाओ, कोई आपको पैदल चलने की ज़रूरत नहीं। Rage on that beat, going crazy.
हाय यार, तो पहुंच चुके हम स्टेशन पे। सबसे पहले अपना कार लगा के चलते हैं बाहर। ओए यार, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन पे, अब कॉलेज चलते हैं। ओए हाय हाय, कॉलेज में एंट्री कर चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं अपना कार्ड स्कैन करके फिर कॉलेज के अंदर एंटर, फिर क्लासेस में जाएंगे। ब्रो सीन चेक करो। ओए होए, बड़ा सीन है ये। सुबह सुबह का व्यू है, क्या बात है। अभी हम जा रहे हैं क्लासेस में। सबसे पहले हमारी क्लास है फिजिक्स की, तो हम चलते हैं P120, रूम नंबर हमारा बिल्कुल सामने आ चुका है और हम भी जा रहे हैं अपने क्लास की तरफ। यार फाइनली आज है जुमा और हमें जुमे के लिए छुट्टी हो चुकी है। आज हम कॉलेज में जुमा नहीं पढ़ेंगे यार, अगर इधर पढ़ते हैं तो फिर घर में 3 से 4 बजे तक पहुंचा जाता है। सो ये भी चल रहा है मैच, टेस्ट मैच चल रहा है FC में। ओए ओए ओए, ये चेक कर सकते हो तुम लोग, ये है स्विमिंग पूल FC कॉलेज का, लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ इसलिए इसके अंदर अभी पानी नहीं उन्होंने भरा हुआ। और व्यू चेक कर सकते हो, ये सामने हॉस्टल है, ये वही बिल्डिंग है जिसका पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। ये ऊपर से अगर देखें तो ये बिल्कुल स्टार की शेप है और ये सामने चेक करें FCC लिखा हुआ है। ये कॉलेज और इंटरमीडिएट दोनों के लिए, लड़कियाँ लड़के सब आ सकते हैं लेकिन उनकी टाइमिंग अलग अलग है। अभी आपको टाइमिंग का शेड्यूल भी मैं दिखाता हूँ क्या है। और ये रही स्विमिंग पूल की टाइमिंग, यहाँ इंटरमीडिएट के भी आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी के भी, बॉयज़ गर्ल्स दोनों, लेकिन टाइमिंग अलग अलग है सबकी। तुम लोग देख सकते हो ये है हमारे पीछे स्विमिंग पूल, ये उसकी बिल्डिंग है। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ यूनिवर्सिटी वाली साइड से मेन गेट की तरफ और वहाँ में भी हमारा दोस्त वेट कर रहा है, उसके साथ बैठ के हम जाएंगे मेट्रो स्टेशन पे। लेकिन मेरे ख्याल से वो निकल चुका होगा इसलिए हम खुद ही पैदल चल के और मेन गेट पे चलते हैं। सामने भी एक एग्ज़िट गेट है लेकिन यहाँ से हम एग्ज़िट नहीं हो सकते क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए है जो कार पार्किंग लगा के आते हैं, वो अंदर भी आ सकते हैं और यहाँ से बाहर जा सकते हैं FCC की कार पार्किंग के अंदर। ये मेन पार्किंग है सामने वाली। और अभी चलते हैं बाहर, धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मुंह भी पड़ी है, तो मिलते हैं फिर आपको। ये चेक करो जी, ये सामने सारी जगह खाली पड़ी हुई है एंड तक। और अभी ये वो जगह है जहाँ से हम आए हैं और यहाँ से हम वापस जा रहे हैं। ये रही हमारी स्पीडो यार, अभी इसने उतारा है और मैं पहले सो गया था, मुझे पता नहीं चला। जब वापसी पे कट लेके दोबारा अपनी साइड पे आई है तब मुझे पता चला, अचानक से मेरी आँख खुली और मैं फौरन नीचे उतरा। अभी मैं बाहर आया हूँ तो यार मुझे पता चला है, आज मौसम चेक करो कितना स्मैक्सी मौसम है, फुल टू फुल मौजे हैं यार। तो अभी बस अच्छी बात है यार, धूप नहीं है, आराम से फुल मस्ती के अंदर चलते हैं। और रास्ते में पहले मस्जिद है वहाँ नमाज पढ़ते हैं और फिर घर चलते हैं, फिर घर जाके कपड़े वगैरह चेंज करके तो फिर मौज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच चुके थे मस्जिद और वहाँ हमने जुमा पढ़ा, अब हम घर को पहुंच रहे हैं। हाय यार, तो हम घर पहुंच चुके हैं, कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए, खाना वगैरह मैंने खा लिया था और अभी मैं बैठा और सोने लगा था यार, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अभी आप टाइम देख सकते हो 3:35 होने वाले हैं, तो अभी हम सोने लगे हैं या फिर असर की नमाज से पहले उठ के फिर नमाज पढ़ने जाएंगे। और आज का ब्लॉग मैं इधर एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।